है। ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में ठंड का असर भी दिखने लगा है और अब जल्द ही कड़कड़ाती ठंड का दौर शुरू होगा। प्रदेश में सबसे ठंडा अंबिकापुर रहा है। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री दर्ज किया गया तो बिलासपुर में 17.4, दुर्ग में 17.4, तो जगदलपुर में 19.4, रायपुर माना में 18 डिग्री, पेंट्रा रोड पर 14.2 डिग्री, तो रायपुर में 19 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ में अब ठंड का असर दिखने लगा है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? दिनेश, बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से प्रदेश की जनता को ठंड का इंतजार था और अब वो इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। लगातार प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर ठंड बढ़ती नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में नमी युक्त हवा आने की शुरुआत हो गई है, जिसके चलते अब धीरे धीरे जो मौसम है वो बदलता नजर आएगा, ठंड जो है वो धीरे धीरे बढ़ती नजर आएगी। और आज की हम यदि मौसम की बात कर लें तो प्रदेश के बस्तर संभाग के एक दो जिलों पर मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। हालांकि हल्की बारिश का अलर्ट है लेकिन वहां पर बारिश होगी, तो कुछ इस तरीके से मौसम परिवर्तित होता नजर आ रहा है। और सबसे ठंड यदि हम बात करें तो अंबिकापुर जिले में दर्ज किया गया 11.6 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान है और आने वाले समय में खासतौर पर सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में ठंड कड़कड़ाके की पड़ेगी, क्योंकि यही वो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी संभाग है जहां पर सवेरे के समय कोहरा इतना रहता है कि आने जाने के लिए वहां पर विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है और लगातार वहां पर मौसम जो है वो शुष्क होते हुए ठंडी जो है वो बढ़ती है, तो आने वाले समय में प्रदेश की जनता को कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ेगा। जी चलिए, शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए।